बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे YouTube चैनल हिडन वर्ड्स में खुश आमदीद। आज की मेरी वीडियो उर्दू तनकीद के हवाले से है और आज हम बात करेंगे अरस्तू के नज़रिया की थासिस पे। अगर आप MA उर्दू प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से हेल्प लेके MA उर्दू की तैयारी बेहतर तौर पर कर सकते हैं। तो हमारे चैनल से तैयारी करने के लिए आपने ब्राउज़र में आके अपने सब्जेक्ट का नाम लिखना है। जो भी आपका सब्जेक्ट है आप इधर आके नाम लिखें, जिस तरह हिस्ट्री ऑफ उर्दू, और साथ आपने बाई का लफ्ज लिखकर हिडन वर्ड्स लिख देना है। तो आपके सामने हमारे चैनल के तारीख, ज़ुबान व अदब के लेक्चर जो है ना आपके सामने आ जाएंगे। अगर आप इनको जो है ना मज़ीद बेहतर करके देखना चाहते हैं तो आप इधर इस ऑप्शन पे क्लिक करें और जिधर टाइप लिखा हुआ है इधर आके आपने प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है और अप्लाई कर देना है। तो आपके सामने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट जो है ना वो ओपन हो जाएंगी। ये काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन होंगी जिनके नीचे हिडन वर्ड्स लिखा हुआ है। ये तमाम प्लेलिस्ट हमारे चैनल की ही हैं। अगर आप इससे बेहतर तौर पे जो है ना सर्च करना चाहते हैं तो आप हिडन वर्ड्स लिखें ब्राउज़र में और सर्च पे क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। आपने इधर नाम पे क्लिक करना है और उसके बाद प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है। तो आपके सामने ये प्लेलिस्ट ओपन हो जाएंगी। इसके नीचे ये जो ऑप्शन है इस पे मज़ीद क्लिक करेंगे तो ये प्लेलिस्ट ओपन होती जाएंगी। ये तमाम सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। हर सब्जेक्ट के हवाले से आप इधर से जो है ना गाइडलाइन लेके तैयारी बेहतर तौर पर कर सकते हैं। तो अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अरस्तू का नज़रिया कैथारसिस। बिलमूम जब हम किसी इंसान को खुश खुर्रम और शाद देखते हैं तो ख़ुद भी खुश होते हैं और इसकी खुशी हमारे दिलों दिमाग पर असर डालती है। लेकिन जब हम किसी दूसरे शख्स को तफक्कुरात फिक्र सोच इस तरह एंजाइटी इस तरह आप क्या है जी एंजाइटी है ये इस तरह बेचैनी जी जी और गम व अलम की कैफियत में मुबतला देखते हैं तो ख़ुद भी अफसरदा और गमगीन हो जाते हैं और इसकी परेशानी और अलमनाक सूरत हाल हमारे एहसास को मुतासर करती है और हमें भी परेशानी और उदासी से हमकिनार करते हैं। हमकिनार का मतलब है मिल जाना। जब हम ड्रामों में किसी ऐसे किरदार को देखते हैं जो हुज़्न व मलाल और यासियत का शिकार, हुज़्न गम को कहते हैं, मलाल दिल का मलोल होना, दिल पे गम का असर होना, यासियत इंतहा दर्जे की मायूसी का शिकार हो, इसके यासियत है ये लफ्ज़ क्या है जी यासियत यास नाउमीदी नाउमीदी और इसके लिए ज़िंदगी बारे गिरां बन चुकी है, बारे बार वज़न गिरां भारी और हसरत तो यास और तबाह की तस्वीर बन चुका हो तो हमें फ़ौरन उस किरदार से हमदर्दी हो जाती है और उसका दर्द हम अपने सीने में महसूस करते हैं। हम इसके शरीक के गम हो जाते हैं, इसके नालों और आहों के नतीजे में हमारी आंखें भी नाला फरियाद फरियाद। इस तरह हमारे जज्बात की भी कदर तस्कीन हो जाती है और हमें इसका एहसास नहीं रहता कि हमारे सामने जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल मसनूई और हकीकत से मावरा है। हकीकत से इसका कोई तलब नहीं है, दूर है। अस्सलाम वालेकुम। कि वो बिल्कुल मसनूई और हकीकत से मावरा है दूर है परे है और महज नाजरीन के लिए दिल बहलावे का सामान है। लेकिन बावजूद इसके कि हमारे जज्बात की तस्कीन का एक ज़रिया होता है हम इसकी सनाई और मसनूई पन की जानब कम तवज्जो देते हैं। पता है हमें ना ये झूठ है ये ड्रामा ये फिल्म, लेकिन फिर भी हम उसके झूठेपन की तरफ नहीं जाते
और इसको हकीकी तस्वर करके तस्लीम कर लेते हैं। इस हकीकत के पेश रस्तु का ख्याल था कि हम अपने जज्बात का इनखलाक करने के लिए थिएटर जाते हैं। थिएटर या थिएटर? थिएटर इंग्लिश का लफ्ज है थिएटर, थिएटर। इसलिए अरस्तु इस नज़रिए को कैथारसिस या फालतू जज्बात का इनखला कहा जाता है। अरस्तु के नज़रिए को तवील अरसे तक तस्लीम किया जाता रहा, मगर बाद में नाकदीन ने अनगिनत तौजीहात और तशरीहात के दौर पर इस नज़रिए पर नकद व जरह की नकद तनकीद जरह बहस करना और इसे मुतनाज़ा बना दिया। एल एफ लॉक्स ने इस नज़रिए पर बहस व तमहीज़ के दौरान में तीन सवाल उठाए जो कि काबिले गौर हैं। पहला सवाल ये कि अरस्तु का असल नुक्ता नज़र और मफहूम क्या था। नंबर दो ये कि अरस्तु ने यह नुक्ता नज़र क्यों अख्तियार किया और इसके मुहर्रिकात क्या थे। सवाल नंबर तीन ये कि अरस्तु का नुक्ता नज़र किस हद तक दुरुस्त और सही है। ये बात भी तो डिस्कस करनी चाहिए ना कि अरस्तु जो कहता है कि थिएटर जाकर हमारे जज्बात का इनखला होता है, क्या ये वाकई दुरुस्त है या झूठ है। अब हम इन तीन सवालों पर बहस करेंगे और इनके जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। अरस्तु का असल नुक्ता नज़र। अरस्तु के फ़नी नज़रियात के सिलसिले में इस इस्तलाह के मुख्तलिफ मफाहीम, मफाहीम मफहूम की जमा मुतय्यन करने की कोशिशें की गई हैं। इसे एक ऐसी अखलाकी कैफियत बताया गया जो जज्बात की तत्हीर से पैदा हुई है। क्या भाई? तत्हीर अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है पाक करना, प्योरीफिकेशन, पाक करना, तहारत, पाक करना, तहारत पाकिजगी होती है। तत्हीर बाब तफील के वजन पर है ये पाक करना। इसे एक नफ्सियाती कैफियत बताया गया है। बरहाल अरस्तु का मफहूम ये मालूम होता है कि अलमिया इंसानी रूह पर उसी किस्म का असर डालता है जैसा कि तबी इलाज का जिस्म पर होता है। इसकी वजह से जज्बात तवादुन की एक ऐसी शक्ल पैदा होती है जो सुकून बख्श होती है और यह सुकून एक किस्म की खुशी कैफियत का सामान फराहम करता है। अरस्तु ने इस कैफियत का जिक्र अपने रिसाले सियासियात में भी किया है। मौसीकी के बारे में कहता है कि यह जहनी घुटन की तत्हीर करती है। मौसीकी ये उसका नज़रिया है, लाजमी नहीं कि हम इसे एग्री हों। इस्लाम जो है म्यूज़िक को हराम करार देता है तो हम भी इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से म्यूज़िक को हराम समझते हैं। ये अरस्तु कहता है कि ये भी मौसीकी जो है जहनी घुटन की तत्हीर करती है कि अगर जज्बाती घुटन का तज़किया ना हो तो ये घुटन हिस्टेरिया और देगर जहनी अवारस पर मुंतज हो सकती है। मुंतज इख्तिताम यानी कि इख्तिताम एंड। तो हिस्टेरिया भी एक बीमारी है, इंसान बहुत चीखता है इसमें। प्रोफेसर मियां मकबूल अहमद कैथारसिस का जिक्र करते हुए लिखते हैं कैथारसिस यूनानी लफ्ज़ है, ये एक तिबी इस्तलाह है, इस्तलाह टर्म जो अरस्तु ने गालबन अपने वालिद से जो एक तबीब था ली हो और जिसका मतलब है जुलाब या इनखला, जिसे फालतू और ज़र्र रसा मवाद का इखराज मुराद ले जाता है, जैसे फसद खोलने या सेंगियाँ लगवाने से। ठीक है, ये एक तो जिस्म को कट लगाते हैं खून निकल जाता है, दूसरा कीड़े किस्म का एक कीड़ा होता है वो लगाते हैं। ठीक है, जोंक, उसको जोंक कहते हैं, जोंकें लगाते हैं, तो जब वो उसको इंसान के ऊपर बिठा देते हैं तो वो खून चूसती चूसती रहती है, जब वो खून चूस के फूल जाती है तो फिर उसको इस तरह नपीड़ देते हैं ऐसे। ठीक है, जिस तरह शॉपर में से दही निकला जाता है ऐसे करते हैं ना नहीं, जब वो हम दही को ऐसे ऐसे निकालते हैं ना एंड में बच जाती है, फिर शॉपर को हम ऐसे करते हैं यानी कि आप उसको बिल्कुल उल्टा कर देते हैं। ये तरीका भी बेस्ट है। लेकिन इससे सारा खून निकालना मकसद ना होता था बल्कि फालतू और फालतू खून ही निकालना मतलब होता था। इस बिना पर हम कैथारसिस का ये मतलब ले सकते हैं कि जज्बात का मुकम्मल इनखला नहीं और उनका तज़किया और तत्हीर मुराद नहीं बल्कि उन्हें जिस्म की गलाज़तों के दरमियान मुनासिब तवाज़ुन और हम आहंगी पैदा करने के लिए कम करना मकसद था। जैसा कि लॉर्ड बैरन ने कहा था, एक मिनट, लॉर्ड बैरन ने कहा था कि शायद तखील का लावा है जिसके फूट पड़ने से जल्दले का इम्कान नहीं रहता। जी पूछें कौन सा मुराद नहीं। हाँ क्या इसको वो कहता है कि सिर्फ
तज़किया ही मुराद नहीं है, तत्हीर ही मुराद नहीं है, वो अंदर से गलाज़तें निकालना कि वो तवाज़ुन हो जाए, बराबर हो जाए। मसलन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे जिस्म में ना शुगर होती है, शुगर का एक ख़ास लेवल होता है 140, 135, 130 नॉर्मल लेवल है, ठीक है। अगर ये शुगर बढ़ जाए 180 पर हो जाए तो फिर इसका इनखला ज़रूरी है, क्योंकि वो जिस्म की कैपेसिटी से ऊपर चली गई है, ठीक है। अगर ये शुगर कम हो जाए फिर भी मसला है। तो यहाँ से वो किथारसे से मुराद लेता है कि जो अंदर की गिलासतें हैं ख़ास मकदार में बाहर निकाली जाएं, अगर सारी निकाल लेंगे तो मसला है। खून के बारे में कह रहा है कि खराब खून निकाला जाता है, सारा नहीं निकाला, सारा नहीं निकाला, सारा निकाल बंदा मर जाएगा ना। तो इस तरह वो कहता है कि जज्बात सारे निकला नहीं होता, एक ख़ास हद तक, एक ख़ास पोर्शन, ख़ास तनासब से बाहर निकल जाते हैं तो वो फिर ठीक होता है, ठीक है जी। यहाँ तक पेज नंबर 142। अरस्तु के नज़रिया कैथारसिस के बारे में डॉक्टर सजाद बाकर रिजवी इन अल्फाज में तबसरा करते हैं। अरस्तु के फ़नी नज़रियात के सिलसिले में इस इस्तलाह के मुख्तलिफ मफाहीम मुतय्यन करने की कोशिशें की गई हैं। बसा औकात इसे एक ऐसी अखलाकी कैफियत बताया गया जो जज्बात की तत्हीर से पैदा होती है। ये भी कहा गया है कि यह कैफियत अखलाकी से ज़्यादा नफ्सियाती और हकीकत है, ये नफ्सियाती है। ये हर सूरत अरस्तु का मफहूम ये मालूम होता है कि अलमिया इंसानी रूह पर उसी किस्म का असर डालता है जैसा तिब्बी इलाज का जिस्म पर होता है। इसके बाद जज्बाती तवाज़ुन की एक ऐसी जरूरत पैदा होती है जो सुकून बख्श होती है, और ये सुकून एक किस्म की मुसर्रत, मुसर्रत खुशी, डिलाइट। पेज नंबर 143 और पैरा नंबर 2। जी पैरा नंबर 2। अब ये सवाल पैदा होता है कि अरस्तु ने कैथारसिस का नज़रिया क्यों अख्तियार किया। एफ एल लॉक्स, बस इंग्लिश में लॉकस लिखा हुआ, के नज़दीक अफलातून ने शायरी पर ना सिर्फ इल्मियाती एतराज़ात किए बल्कि एक अखलाकी एतराज़ भी किया था। उसने एक अखलाकी एतराज़ भी, बहुत मशहूर है, उसका अखलाकी एतराज़ यह था कि शायरी इंसान जज्बात व एहसास को भड़काती है और अक्ल व शऊर की कुव्वत को मुतासर करती है। अक्ल व फ़िक्र इंसान का इम्तियाज़ी वस्फ़ है जिससे देकर मखलूक़ात महरूम हैं, और इसी सबब से हज़रत इंसान को इम्तियाज़ शान हासिल है, जबकि जज्बात इंसानी शख्सियत का एक रज़ील हिस्सा है। वो कहता है कि ये बुरा हिस्सा है जज्बात। जज्बात बुरे होते हैं क्या? बुरा, ख़राब जज्बात बुरे होते हैं क्या? हमदर्दी का जज्बा बुरा है क्या? मोहब्बत का जज्बा बुरा है क्या? नफ़रत का जज्बा बुरा है? कहीं पर बुरा है, कहीं पर अच्छा है, ये अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेज होता है, हालात के मुताबिक कहीं पे ठीक होता कहीं पे। तो इंसानी जज्बात इंसान ज़िंदगी का बुनियादी हिस्सा हैं, हम इनको रज़ील नहीं कह सकते। वो रज़ील कहता है कौन? अफलातून, अरस्तु का उस्ताद, जो बाज़ औक़ात इंसान के लिए ज़र्र का बायस बनते हैं, नुकसान का बायस। अक्ल व फ़हम और शऊर व इदराक अलग अलग सिफ़ात हैं, जबकि जज्बातियत तो उनकी ज़िद है। जज्बात अक्ल इंसानी के लिए ज़हर कातिल हैं। ऐसा है क्या? सारे जज्बात तो ज़हर कातिल नहीं है। हमदर्दी का जज्बा इंसानी अकल के लिए ज़हर कातिल नहीं है, बहुत अच्छा जज्बा है वो। इसलिए जो शायद जज्बातियात तो उनकी ज़िद है, जज्बात अकल इंसानी के लिए ज़हर कातिल हैं, इसलिए जो शायद जज्बात को बरंगेख्ता करती है। क्या भाई? बरंगेख्ता उभारना, चिड़ाना, जिस तरह भेड़ के छत्ते में आप कोई चीज़ मारें तो वो आपकी तरफ आती है। बरंगेख्ता करना, उभारना। इंग्लिश देखते हैं क्या होती है। ये जज्बात अपनी हिजानी कैफियत सबब से अक्ल व फिक्र में खलल डालते हैं। हिजान परेशानी की कैफियत। अरस्तु ने
अफलातून के सराय से इतफाक़ किया कि अकल व फ़िक्र बेहतरीन सिफातें, इस ख्याल को भी तस्लीम किया कि जज्बात शायर नहीं है, मगर उसने अफलातून से इस अमर में इतफाक़ नहीं किया कि शायरी जज्बात को इश्तियाल दिलाकर अकल व फ़िक्र व अखलाक़ी सेहत को बर्बाद करती है। इस पॉइंट से उसने अपने उस्ताद से इतफाक़ नहीं किया। इश्तियाल उभारना, गुस्सा दिलाना इश्तियाल, मुश्तइल गुस्से वाला, जिसको गुस्सा आया हुआ हो। तो अब हमने पीछे देखा कि अरस्तु को एक्चुअली ये कहाँ से मिला, अरस्तु ने ये जो कैथारसिस का नज़रिया लिया ये कहाँ से लिया और वो है क्या, हमने समझ लिया। अब सवाल पैदा होता है कि एक नज़रिया दुरुस्त है, याद रखिए किसी हद तक ये नज़रिया दुरुस्त है, लेकिन 100% ये नज़रिया दुरुस्त नहीं है। सारा अदब अलविया नहीं होता, कुछ तरबिया भी होता है। तरबिया, हाँ, कॉमेडी। ये वो अहम सवाल है जिस पर बहुत से नकादों ने गौर व खौज़ किया है। बाज़ नकादों को अरस्तु का ये नज़रिया पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने इस पर तनकीद के काफ़ी निश्तर चलाए हैं। निश्तर पता है ना, निश्तर काटा जाता है। ये एक ऐसा आला है जिससे डॉक्टर मरीजों का जिस्म चाक करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में यूज़ होता है ये, ठीक है। और बुक किसकी है ये? ये आला जो है ये ऐन वाला नहीं है, ये अलिफ मद आ लाम और हे वाला है। ये आला जो होता है ना वेरी फाइन, अच्छा ये वो लिखा हुआ है आला, ठीक है। उनकी राय में फनकार का काम फ़न की तख्लीक और इसके फ़नी तकाज़ों की तकमील का काम करना है। उसका काम ये नहीं कि वो इंसानों की दिमागी या जहनी ज़िम्मेदारी संभाले और उनके दिमाग के बाद उनके बिगाड़ कर रास्ता रोके, ये बात सही लिखी है। फनकार का काम है फ़न लिखना, पोइट्री करना, फ़न पर तश्कील देना, मुसव्वरी करना, ये फनकार का काम है। आगे उसके फ़न का क्या असर होता है लोगों पर, ये उसका काम नहीं है, ये बात उन्होंने ठीक लिखी है। नकादों का दूसरा गिरोह है जो कि सिर्फ अदब की मुसरत बख्शी का कायल है। इनका नज़दीक फ़नी हज़ ही अदब की आखिरी कदर है। फ़नी हज़, खुशी, एंटरटेनमेंट, टू बी एंटरटेन, मज़ा लेना, इंजॉयमेंट। और अदब का तसीरी पहलू इतना ज़रूरी नहीं है। तहम अरस्तु ने भी महसूस किया था कि जज्बे की कमी भी वाकई हो सकती है। अच्छा, अरस्तु ने कहा कि अदब वो है जो अलमिया हो, जो लोगों को रुलाए, कैथारसिस करे, ठीक है। कुछ नकादों ने कहा कि अदब वो है जो लोगों में खुशियां बांटे, उनको रुलाए ना। हर किसी की अलग अलग सोच है कि अदब कैसा होना चाहिए। वो अपनी किताब अखलाकियात में लिखता है, खौफ, बहादुरी, ख्वाहिश, गुस्सा और रहम किसी भी मुसरत और तकलीफ़ का एहसास ज़्यादा दुरुस्त भी हो सकता है और काम भी हो सकता है। यानी उसने इस बात को मान लिया कि कमी भी हो सकती है, सिर्फ अफराद ही नहीं बल्कि तफरीद का एहतमाल भी, अफराद ज़्यादती, तफरीद कमी। मगर बुतीका में वो कैथारसिस पर इजहार ख्याल करते हुए इस अमल को फरामोश कर गया। बुतीका जो है उसकी ये तनकीद की किताब है, बुतीका पोइटिक्स, इंग्लिश में पोइटिक्स है, उर्दू में क्या है, अरस्तु की बुक है बुतीका। लोकस की राय में अरस्तु के लिए बेहतर होता अगर वो संजीदा ड्रामे की तारीफ में उसके वजीफे को इस तरह वजीफा समझते हैं। हाँ, वजीफे के दो माने हैं। पहला है स्टिपेंड, जो बच्चे फर्स्ट आते हैं उनको हुकूमत की तरफ से पैसे मिलते हैं, वो क्या कहलाता है, वजीफा। और इंग्लिश क्या है स्टिपेंड, STIPEND, स्टिपेंड, वजीफा, स्टिपेंड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो वजीफा है ये है फंक्शन, काम, फंक्शन, FUNCTION, फंक्शन, काम, फेल, ठीक है। तो इसके वजीफे को इस तरह बयान करता कि ड्रामा रहम, और यहाँ पर वजीफा कौन सा है, फेल के मनो में काम, फंक्शन वाला, ठीक है। जिस तरह मोबाइल का फंक्शन क्या है, इसे कॉल आती है, बात करते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, ये मोबाइल का वजीफा है, इसका फंक्शन है, काम है इसका, ठीक है जी।
ड्रामा रहम और दर्दमंदी और दीगर जज्बात को तहरीक देकर इंसानी फितरत के जज्बाती पहलू के लिए सुकून, मश्क व ममारसत और गज़ा बहम पहुँचाता है। मश्क मश्क होती है, ममारसत का अभी हम मीनिंग जो है इधर चेक करते हैं कि ममारसत का क्या मतलब है। ये अभी चेक हो गया जी। मश्क प्रैक्टिस, ममारसत जी चेक करते हैं। ममारसत 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 भी तजर्बाकारी, मश्क किसी काम में कोशिश करना, ममारसत किसी काम में कोशिश करना, तजर्बाकारी ममारसत कोशिश करना। पेज नंबर 146 पे आ जाएं और डॉक्टर सैयद अब्दुल लिखते हैं, अगर तस्लीम कर लिया भी लिया जाए कि अरस्तु ने अपना मौक़िफ अच्छी तरह पेश नहीं किया, तब भी मानना पड़ेगा कि अरस्तु ने उसूली लिहाज से गलत नहीं सोचा, अलबत्त उसने मसले को पेश करने में अजमाल व इख्तसार से काम लिया। अजमाल मुजम्मिल मुख्तसर वेरी शॉर्ट, इख्तसार भी तो वही चीज़ है। और वरना गौर किया जाए तो खौफ और रहम के जज्बों में इतना बोध नहीं, बोध दूरी, इतना बोध ये लफ्ज़ ये बे के ऊपर पेश है, दूरी बोध क्या जी, दूरी एक होता है बाद यानी कि आफ्टर, वो और चीज़ है ना, रहम और खौफ में दूरी नहीं है। जज्बों और जिबलतों का, जिबलत आप समझते हैं, उसमें मैं बताया था आपको, तजिया किया जाए तो मालूम होगा रहम भी चंद वास्तों से खौफ ही की पैदावार है। वो यूँ के इंसान बल्कि हर जी हयात की असल जिबलत तहफ्फुज़ नफ्स है। ये हमारी कोशिश होती है कि हम हमारा ख्याल रखा जाए, हम महफूज रहें, ये हमारी फर्स्ट हमारी कोशिश होती है। जो जो चीज़ भी उसे टकराएगी इससे पहले खौफ और इसके बाद मुदाफ़त का ख्याल पैदा होगा। हम जब किसी से हमदर्दी करते हैं तो कई वास्तों से, ये भी दरअसल बकाए ज़ात का तरीका साबित होता है। बकाई नहीं, बकाए ज़ात बड़ी ये आएगी। बाहमी इश्तराक को तावुन से हर इंसान अपनी हिफाजत की कवी तर तदबीर सोचता है। बस हमदर्दी और रहम इस खौफ का बिलवास्ता मदावा हैं, मदावा इलाज। जो ज़ात या हयात को पेश आता है, दोनों का मंबा, मंबा सोर्स निकलने की जगह, जरिया, महल अलग अलग है। ये दुरुस्त है कि रस्तों ने ट्रेजडी के जज्बों में से सिर्फ खौफ और रहम का जिक्र करके इसके दायरे को तंग कर दिया है, क्योंकि दूसरे जज्बे मसलन तहसीन अजमत, हैरत का एहसास, मुफाहमत का एहसास, शायराना अदल पर मुसरत वगैरह भी ट्रेजडी के जज्बे हो सकते हैं। और इससे भी ज़्यादा यह कि रस्तों जज्बात की सफाई और तहजीब के मसले को भी ज़रूरत से ज़्यादा अहमियत दी है। अगले पेज पर आ जाएं जी, 147। ड्रामाई शायर के लिए तकरीर लिखने के तरीकेकार की बात करते हुए अरस्तु कहता है, जहाँ तक हो सके ड्रामाई शायर जब तकरीर लिखे तो लिखते वक्त मुनासिब इशारे भी साथ साथ करता जाए, क्योंकि दो बराबर क़यादत के हामिल मुसन्निफीन में वो मुसन्निफ ज़्यादा पुरअसर होगा जो खुद जज्बात को महसूस भी करे। परेशानी और गुस्से की कैफियत को वही लिखारी अच्छे अंदाज से पेश कर सकेगा जो खुद इस आलम में हो। इसी वजह से शायरी या तो ज़बरदस्त पेश फिसत के हामले आदमी काम है, या ऐसे शख्स का जो पूरे तौर पर सही उल दिमाग ना हो, ऐसे। और शायर वैसे सही कहा करते हैं कि शायरी ऐसे बंदे का काम है जो सही उल दिमाग, जिसका दिमाग ठीक ना हो, ये एबनॉर्मल टाइप के लोग होते हैं। मीर तकी मीर को देख लें, हाँ एबनॉर्मल टाइप होता है पता। अवलो ज़िक्र बेहद हसास होता है और मौखर ज़िक्र जज्ब व जुनून में होता है। पहला जिक्र एहसास होता है, दूसरा शेर दूसरे टाइप का जो शायर है वो क्या होता है, जज्बो जनून में मुब्तला होता है। ट्रेजडी की पचीदियों के बारे में अरस्तु कहता है, हर ट्रेजडी की अपनी पचीदगी अपना अंजाम होता है। पचीदगी इन वाक़ात से होती है जो प्लाट से बाहर होते हैं, और अक्सर उनसे भी जो प्लाट के अंदर होते हैं, बाकी उन पचीदगियों का हल अंजाम के मकाम तक आए जहाँ से किस्मत अच्छी या बुरी होती है। अंजाम जो पचीदगियों का हल है से मुराद वो हिस्सा जो किस्मत इस तब्दील से लेकर आखिर तक होता है। मसलन थ्यूडेक्टिस के ड्रामे लैंसियस में पचीदगी वो है जो असल ड्रामे के वाकयात से पहले ही हो जाती है, यानी लड़के का और फिर उसके वालदैन का पकड़े जाना और अंजाम कत्ल के जुर्म से आखिर तक का हिस्सा है।
ट्रेडिंग दर्जाबंदी के बारे में दोस्तों कहना है, मुनासिब यह है कि ट्रेडिंग की दर्जाबंदी एक दूसरे से मुनासिब या मुख्तलिफ प्लाटों के हिसाब से की, प्लाट वाक़ात की तरतीब का नाम प्लाट है, उनकी पचीदगी और अंजाम में मुनासिबत या इख्तलाफ से। बहुत से शहर प्लाट को पचीदा बनाने में कामयाब हो जाते हैं लेकिन उनको सुलझाने में भोंडेपन का सबूत देते हैं, दोनों पर बराबर की फोहड़पन जाहिल पर ढंग से चीज़ ना करना। यहाँ तक ये ख़त्म हो गया है, ठीक है जी, और मेरे ख्याल में सवाल भी यहाँ तक एंड ही हो रहा है, बस ख़त्म जी।